पिछली सरकार ने 3 साल में 5 लाख करोड़ के अनुबंध उद्योगपतियों से किए थे, उसमें से लगभग 1.25 लाख करोड़ के ही उद्योग लगे। ये जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव सुधीर रंजन मोहंती ने मैग्निफिसेंट एमपी को लेकर हुई पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने ये कहा कि जब हम अनुबंध नहीं कर रहे, जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उन्हीं से बात कर रहे हैं, लगभग 1 करोड़ के काम कुछ महीने में शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण लगभग 2 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश की संभावनाओं को जानना और गाइडलाइंस प्राप्त करना है। नए उद्योगों के लिए 31,500 करोड़ का काम शुरू हुआ है। नई सरकार के कामकाज से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में अब तक 1,05,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। पिछली सरकार के 5 लाख करोड़ के प्रॉमिस के मुकाबले 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 3 साल में 25% इन्वेस्टमेंट आया। उन्होंने बताया कि इंदौर में 3 साल बाद इस तरह का आयोजन हो रहा है। इससे पहले 2016 में ये आयोजन हुआ था। मोहंती ने बताया कि इस बार का कार्यक्रम पिछली बार से कुछ अलग और कुछ ही दिन का होगा। कार्यक्रम के लिए बने एग्जीबिशन का औपचारिक उद्घाटन गुरुवार को शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे। मोहंती ने बताया कि CII की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग भी इसी समय हो रही है, इसमें भी देश भर में कई उद्योगपति शामिल होंगे। मैग्निफिसेंट एमपी का मुख्य कार्यक्रम शुक्रवार को सुबह 11 बजे शुरू होगा, जिसमें 8 से 10 उद्योगपति चर्चा करेंगे। इनमें मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला आदि, गोदरेज, संजीव पुरी ITC के चेयरमैन, विक्रम किर्लोस्कर, दिलीप संघवी, रवि झुंझुनवाला, चंद्रजीत बनर्जी, मार्क जाराल्ट, राजेंद्र गुप्ता, राकेश भारती मित्तल, अमिताभ कांत शामिल होंगे। इसके अलावा 8 और स्पेशल सेशन होंगे। इन स्पेशल सेशंस को प्रमुख उद्योगपति लीड करेंगे। अभी तक स्पेशल सेशन को शासकीय लोग लीड करते थे। इन सेशन में सीएम कमलनाथ 20 प्रमुख उद्योगपतियों से सीधा संवाद करेंगे। 1 घंटे के इस स्पेशल सेशन में करीब 60 से 70 उद्योगपति और अन्य लोग शामिल रहेंगे। इस बार जो मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश का आयोजन किया जा रहा है, उसका एक प्रमुख ध्येय है कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट से बातचीत करेंगे और गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज एंगेजमेंट में क्या क्या समस्याएं हैं, मध्य प्रदेश में क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में उन लोगों से भी बात करके और उन लोगों से गाइडलाइन हम लोग प्राप्त करेंगे। हम लोगों ने करीब 1500 लोगों को इनवाइट किया था पूरे देश भर से, और ये आपको जानकर खुशी होगी कि आज तक करीब 900 लोगों का कंफर्मेशन हम लोगों के पास आ गया है। ऐसे माहौल में जहां पे एक्सपेक्टेशंस ये था कि थोड़ा इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर कमज़ोर है, 900 लोग उपलब्ध रहना हम लोगों के लिए एक सुखद आश्चर्य है। इस मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश में जो मेन कार्यक्रम होगा वो सुबेरे 11 बजे जो शुरू होगा, उसमें करीब 8 से 10 प्रमुख उद्योगपति हम लोगों से चर्चा करेंगे, और वो हैं श्री मुकेश अंबानी जी, जिनका मैसेज वीडियो कास्ट किया जाएगा, क्योंकि उनको बैक टू बैक बोर्ड मीटिंग्स होने की वजह से वो नहीं आ पाए हैं, परंतु वो वेबकास्ट करेंगे। श्री कुमार मंगलम बिरला, श्री आदि गोदरेज जो कि गोदरेज ग्रुप के हैं, श्री संजीव पुरी जो ITC के चेयरमैन हैं, श्री विक्रम किर्लोस्कर जो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के हैं, श्री दिलीप सांघवी जो कि संभवतः देश के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल ग्रुप के हेड हैं, श्री एन श्रीनिवासन जो इंडिया सीमेंट्स के हेड हैं, श्री रवि झुंझुनवाला AGG के चेयरमैन हैं, श्री चंद्रजीत बैनर्जी जो CII के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, श्री राजेंद्र गुप्ता जो ट्राइडेंट के चेयरमैन हैं, श्री मार्क जेरोल लैप इंडिया से आ रहे हैं, श्री राकेश भारती मित्तल उपस्थित रहेंगे, श्री अमिताभ कांत जो नीति आयोग के CEO हैं वो रहेंगे। इस बार हम लोग जो मेन सेशन होगा जहाँ पे इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन होगा, इसके अलावा 8 स्पेशल सेशंस
हमारे होंगे। इस स्पेशल सेशंस का स्वरूप थोड़ा सा अलग रहेगा। अब तक स्पेशल सेशंस में प्रमुख रूप से शासकीय लोग लीड करते थे, इस बार इस पूरे चीज को प्रमुख उद्योगपति जो देश के हैं वो लोग लीड करेंगे। जैसे कि कुमार मंगलम बिरला जी एक सेशन हैंडल करेंगे, या श्रीनिवासन जी एक सेशन में रहेंगे, या अमिताभ कांत जी एक सेशन में रहेंगे। इस तरह से ये सेशंस जो आठ जो स्पेशल सेशंस होंगे इनमें ये लोग उपलब्ध रहेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।